हाय गाइस, देखिए कल एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था हमने अपने चैनल पर कि कमोडिटी सेक्टर में जहां एटीआर ईएमए के ऊपर आ जाता है वहां से उसमें अच्छा खासा मोमेंटम आ जाता है। अब ये जो अच्छा खासा मोमेंटम है, ये बोलने का हमारा मतलब है कि कैंडल के जो स्प्रेड होते हैं वो जनरल कैंडल से या साइडवेज बाजार से अच्छे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। लेकिन एटीआर का पॉजिटिव होना, ऐसा इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि बाज़ार उसी दिशा में तेज़ी से जाएगा। एटीआर का पॉजिटिव होना बस ये बताता है कि ऊपर जो भी प्राइस एक्शन चल रहा है, जो भी स्ट्रेंथ चल रही है, जो भी मूवमेंट चल रहा है, बस अब उसमें मोमेंटम आने वाला है। इतना ही एटीआर का कन्फर्मेशन हमें लेना है और इस्तेमाल करना है। अभी जैसे आप देखिए, ये जो रेड कैंडल बनी जहाँ मेरा कर्सर था, वहीं से एटीआर का ऊपर जाना चालू हो चुका था और फिर बाद में स्ट्रेंथ ऊपर पॉजिटिव हुई हिलेगा मिलेगा में, और ग्रीन कैंडल बनते से बाजार ऊपर की ओर चला गया, एटीआर ऊपर की ओर ही था। मतलब ये जो मूवमेंट बाजार में आया है, ये पहला ग्रीन अगर आप छोड़ भी देते हो तो समथिंग एक 50-60 पॉइंट का उसमें मूवमेंट आपको दिखता है। तो एटीआर का इस्तेमाल क्यों करना है हमें, कि एटीआर का इस्तेमाल हमें इसलिए करना है कि हम जब ट्रेड ले तो हमें ज़्यादा देर ट्रेड में रुकने की ज़रूरत ना हो। अभी देखिए गाइस, आपको मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। क्रूड ऑयल में बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल बने थे। अभी आप देख लीजिए गाइस, ये जो प्राइस का हाई है, यहाँ पे इंडिकेटर का हाई 53 समथिंग बता रहा है, ठीक है, और प्राइस का हाई देखिए 64.44 यानी 64.44 से प्राइस का हाई है। अब ये जो सेकंड हाई बनाया है प्राइस ने, उसके नीचे बनाया है 64.26 पे बनाया है, लेकिन इंडिकेटर 62-63 समथिंग इसमें अभी 67 सॉरी बता रहा है, ठीक है। तो इंडिकेटर में अगर आप इन दो हाई को कंपेयर करोगे तो इन दो हाई का मतलब है इंडिकेटर में हिडन डाइवर्जन, ठीक है। और यहाँ पे आपका एटीआर पॉजिटिव बता रहा है, लगभग 18-15 के बाद से ये पॉजिटिव है, मतलब अब जो उसमें मूवमेंट आएगा वो अच्छा खासा होगा। लेकिन देखिए, प्राइस एक्शन पूरा हुआ है, जहाँ आपको हिडन डाइवर्जन बताया गया है, हिडन के बाद भी जो बाज़ार गिरा है वो भी अच्छा खासा गिरा है। एक ग्रीन की स्पाइक का मूवमेंट उसमें आया है, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन की स्पाइक उसमें आई है और फिर से बाज़ार नीचे गिरा है। अब अगर आप ये रीड कर लेते हो तो 64.24 यानी 62-64.24 से 63.04 एक अच्छा खासा गिरावट यहाँ हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिली है। अब ये जो गिरावट हमें देखने को मिली है, इसमें कितना समय लगा आप एनालाइज़ कीजिए। लगभग शाम के 7:45 बजे से, 7:30-8 बजे से ये गिरावट चली रात के 10 बजे तक, 8 से 10 बजे तक 2 घंटे में इसने अच्छा खासा हमें फॉल दे दिया है, ठीक है। अब अगर आप दिन भर का बाज़ार एनालाइज़ करते हो, जहाँ पे एटीआर का मूवमेंट अभी यहाँ एटीआर एक पॉजिटिव बताया था, देखिए यहाँ पर भी इसने अच्छा खासा फॉल बताया है। हम इसी चार्ट में कहीं ढूंढते हैं जहाँ एटीआर हमें निगेटिव, हाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एटीआर ईएमए के नीचे मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम फ्रेम में, इस ड्यूरेशन में, इस टाइम ड्यूरेशन में जो क्रूड ऑयल की मूवमेंट है वो आप अपने आँखों से देखिए कि मतलब साइडवेज बाजार है ये, और कैंडल का भी स्प्रेड कुछ ठीक ठाक नहीं है, और आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे होने के चांसेस कम होते हैं, तेज़ी से प्रॉफिट नहीं बनता है। हालांकि यहाँ जो बना है, हम जहाँ पे कर्सर अभी रख रहे हैं वहाँ हिडन डाइवर्जन बन चुका है और हिडन बना के कट बन के नीचे गया है, 40-50 पॉइंट का ट्रेड ये है, ठीक है। लेकिन उसी के बाद जहाँ पे एटीआर पॉजिटिव हो रहा है, जिस हिडन डाइवर्जन में एटीआर पॉजिटिव हो रहा है, उसका जो ट्रेड है वो इस ट्रेड से ज़्यादा बड़ा है, आपके आँखों के सामने है। तो मोमेंटम क्रिएट करना, ये मोमेंटम को बताना, ये एटीआर का काम है। कोई भी इंडिकेटर मार्केट में कुछ क्रिएट नहीं करता है, बस मार्केट के कुछ पैरामीटर्स उसको जरिए यूज़ करके इंडिकेटर को बनाया गया है, और इंडिकेटर उसी पैरामीटर्स को यूज़ करके अपने वैल्यूज़ के अनुसार आपको इंडिकेट करता है। अभी देखिए, जब ये बाउंस बैक आया क्रूड ऑयल में, जब बाउंस बैक आया तो उतने ही स्पीड से, उतने ही रफ्तार से क्रूड ऑयल जो जहाँ से क्रूड ऑयल में गिरावट आई थी उसके ऊपर चला गया। अब यहाँ पे भी आप नीचे नज़र डालिए, एटीआर पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब बाज़ार में हम जो ढूंढते हैं, जो ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मोमेंटम स्पीड, हम जो ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड का उस दिशा में जाना, ये डिसाइड करने के लिए अगर हम एटीआर का इस्तेमाल करने लगे
तो हमें एक अच्छे खासे ट्रेड मिलने लगेंगे। अभी जैसे देखिए 29 जनवरी को शाम में 6:15 बजे के बाद ATR ने पॉजिटिव बताया था और स्ट्रेंथ डाउन थी, तो क्रूड ऑयल की मूवमेंट आपके आंखों के सामने है, चार्ट भी आपके आंखों के सामने मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप ATR के साथ मूवमेंट एनालाइज करते हो तो आप बहुत फ़ायदे में रहोगे। अभी ये देखिए, ये 25 जनवरी को 14:30 से ATR पॉजिटिव हो चुका था, लेकिन प्राइस में जो मूवमेंट आया है वो प्रॉपर हाई लोज क्रिएट करते करते ऊपर गया है। तो ATR का जब भी इस्तेमाल करना है हमें, तब हमें प्रॉपर प्राइस एक्शन ऊपर के चार्ट में समझ लेना है, स्ट्रेंथ कहाँ जा रही है और सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, अपने पैरामीटर के हिसाब से क्या बन रहा है चार्ट में। और उसमें अगर ATR पॉजिटिव है तो एक बात हमें कंसिडरेशन में लेनी है कि भाई इसके आगे जो कैंडल का साइज़ होगा, जो कैंडल का फॉर्मेशन होगा, वो अच्छा खासा होगा, हमें ज़्यादा देर रुकने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक सिल्वर का मैं चार्ट आपको बताता हूँ, आप सिल्वर के चार्ट को एनालाइज कीजिए, ठीक है। ये देखिए सिल्वर के चार्ट, सॉरी ये नहीं बताना था, ये सिल्वर के चार्ट में आपको जो मोमेंटम दिख रहा है, देखिए ATR यहाँ से पॉजिटिव, स्ट्रेंथ यहाँ से पॉजिटिव है, तो ये कैसा इसने मोमेंटम बताया। लेकिन इसकी यहाँ जो हमने मार्किंग कर रखी है वहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो भले ही ATR पॉजिटिव था, स्ट्रेंथ पॉजिटिव थी, लेकिन वो रेजिस्टेंस तोड़ नहीं पाया और उतने ही रफ्तार से नीचे आ गया, और ऐसा इसने लगातार किया है। आप एक ध्यान दीजिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है हमारा, यहाँ से ATR पॉजिटिव हुआ था, स्ट्रेंथ पॉजिटिव हुई थी, देखिए रेजिस्टेंस तक एक ही कैंडल में चला गया। आप इसका अगर रीड करते हो कितने पॉइंट्स का कैंडल, 276 पॉइंट्स का कैंडल ये आपको बता रहा है, ठीक है। और ये देखिए उसके पहले भी इसी पॉइंट को उसने बार बार टच किया था। अब एक लास्ट इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैसा टॉप डाउन एनालिसिस में हम देखते हैं कि 30 मिनट्स में 1, 2, 3, 4 टाइम्स बाजार ने यहाँ पे टच किया और फिर ये नीचे की ओर जा रहा है, जहाँ से ATR ऊपर हुआ है वहाँ से देखिए सिल्वर की मूवमेंट नीचे की ओर ही चालू है, अच्छा खासा फॉल इसने दर्ज किया है। अब इस मूवमेंट को एक 3 घंटे के मूवमेंट में भी आप देख लेते हो तो देखिए बाजार उसी हाई से, उसी लेवल से नीचे की ओर गया है, स्ट्रेंथ डाउन है और अच्छा खासा फॉल इसमें आया है। इस प्रकार से आपको ATR का इस्तेमाल करना है। ATR का इस्तेमाल आपको एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन में, जैसे 15 मिनट में यूज़ कीजिए कमोडिटी के लिए, इंडेक्स में अगर आप कर रहे हो तो 5 मिनट और 1 मिनट के पेयर के साथ यूज़ कीजिए, ताकि अब जब ट्रेड लेने की आपको जिस समय लगे कि हाँ हमें ट्रेडिंग करना है, तो उस समय अगर आपको ATR पॉजिटिव मिल जाता है तो फिर उसमें जो मूवमेंट आती है इंडेक्स में, तो वो भी अच्छी खासी मूवमेंट उसमें बता देता है। अभी 15 मिनट के हिसाब से ATR पॉजिटिव होने को इंडेक्स में बहुत समय लग जाता है, इसलिए 5 मिनट्स में और ATR के इंडेक्स में यूज़ करते समय हमें एक बात याद रखनी है, सुबह 9:15 का जो टाइम होता है उसमें वॉलेटिलिटी और मोमेंटम हाई होता है, 9:15 में जो ATR है वो कंटिन्यू हमें पॉजिटिव ही बताता है इंडेक्स में। तो इंडेक्स हो या कोई भी बाज़ार का ओपनिंग हो, ओपनिंग कैंडल में हमें ATR के बेस पर ट्रेड अचीव नहीं करना है, हमें जब ओपनिंग हो जाने के बाद जब बाजार एक पर्टिकुलर पोजीशन सिचुएशन बना ले और उसके बाद कोई मोमेंटम बताए, और वो मोमेंटम अगर ATR के साथ आ रहा है, जैसे अभी मैं आपको आज का बाजार बता देता हूँ, आज का देख लीजिए, हम पहले टॉप डाउन एनालिसिस से नीचे आते हैं। ये देखिए गाइस 30 मिनट्स, अभी मैंने कुछ देर पहले इसमें शॉर्ट्स भी अपलोड किया था, अभी ये कल के 30 मिनट्स के जो लेवल्स थे वो अगर कंटिन्यू कर लेते तो आज का आपको बाजार एक अंदाज आप में आ जाता कि भाई बाजार कहाँ से कैसी मोमेंट बता सकता है। अब जब ये मार्किंग हो चुकी है तो उसके बाद हम इसको कर लेंगे 5 मिनट्स में, और सॉरी मैं आपको एक कैंडल पेयर बताना भूल गया इसमें, ये देखिए 1 फ़रवरी को 10:15 ग्रीन के दो फॉलिंग कैंडल इसमें ऑलरेडी बने हुए थे और टॉप पर बने थे, ठीक है, और यहीं पर एक डोजी कैंडल भी बनी थी रेजिस्टेंस पे। तो अब इसमें जो मोमेंटम आना है या फिर आएगा वो हम इसमें छोटे टाइम फ्रेम में देख लेंगे। तो देखिए आपको जैसे ये स्ट्रेंथ डाउन चली है और ATR ऊपर आया है, तो उसके बाद के जो कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म हुए हैं, और
जब ATR डाउन फॉल में जाता है तो फॉर्मेशन फिर से कम हो जाते हैं, साइज़ उसकी नॉर्मल हो जाती है, इसलिए ATR का ऊपर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम फ्रेम में अगर आप एक मिनट में ऑप्शन बाइंग के चार्ट को देखकर डिसीजन लेकर ट्रेड कर सकते हो तो आप एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हो। इसी प्रकार से आपको ATR को एनालाइज करते हुए चलना है, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि ATR का इस्तेमाल सबसे लास्ट है, सबसे पहले प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रेंथ है और अपने पैरामीटर है। ये चारों पैरामीटर होने के बाद अगर आपको ATR इसमें साथ दे रहा है तो ही आप ATR के साथ आगे बढ़िए और ऑब्जर्वेशन कीजिए। मैंने जितनी बातें अभी आपको बताई है ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, ऑब्जर्वेशन करके ही आप धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अभी देखिए, ये एक मैं आपको बता देता हूँ, चलिए एक अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है। ये 30 जनवरी का 1400 के बाद का जो बाज़ार है, 5 मिनट में ATR पॉजिटिव हो चुका था और स्ट्रेंथ डाउन थी, तो इसका जो फॉल आया वो कंटिन्यू फॉल आया है, रुकना मतलब रुका नहीं है बाज़ार। तो इसमें एक ऑप्शन बायर के अच्छे खासे पैसे इसमें बन जाते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ATR जो है ईजीली पॉजिटिव नहीं होता है। देखिए पूरा 30 तारीख का जो दिन है लगभग 2 बजे तक ATR पॉजिटिव नहीं हुआ था, तो सिर्फ ATR के बेस पे ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन जिसको ओवर ट्रेडिंग से बचना है वो अगर ATR पॉजिटिव होने तक अपने आप को संभाल पाए तो अच्छे रिजल्ट लेके बाज़ार में से जा सकता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए यहाँ पे हिडन डाइवर्जन बन गया है इंडिकेटर में और हिडन के बाद ये फॉल आया है और यहाँ पे ATR पॉजिटिव है। कोई बंदा बोलेगा सर जी मैंने तो ATR के हिसाब से ट्रेड लिया था, ये देखिए फॉलिंग वॉल्यूम बने थे, ये ग्रीन में ऊपर गया और बाद में अचानक से बाज़ार नीचे गिर गया। भाई मेरे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, लेवल देखो, बाज़ार की स्ट्रेंथ की रीडिंग करो और फिर उसको ATR से मैच करो। इंडिकेटर हमेशा लैगिंग होते हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस और प्राइस एक्शन हमेशा आपको बिफोर बता देते हैं कि बाज़ार में किस तरह की मूवमेंट हो सकती है और जहाँ रिस्क आपको नज़र आता है वहाँ ट्रेड हमें करना ही नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप एक डिसिप्लिन बनाइए और शुरुआत पेपर ट्रेड से कीजिए। तो गाइस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज़रूरतमंदों को हमारे चैनल के लिंक शेयर कीजिए। गाइस सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि हमारा चैनल नया है और सब्सक्राइबर की जो ग्रोथ है वो बहुत ही नॉर्मल है। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लग रही है तो ही आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा कोशिश है कि लोगों में चार्ट रीडिंग कैसी करनी चाहिए इस बात की अवेयरनेस आना चाहिए। बस यही हम समझाना चाहते हैं कि भाई चार्ट को कैसे पढ़े, वरना आप देख लेते हो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आपको एक स्ट्रैटर्जी बता देंगे। यूट्यूब पे आप खोल के देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सी स्ट्रैटर्जी आपको दिख जाएंगी, ये स्ट्रैटर्जी यूज़ करो इतना कमा लो, वो स्ट्रैटर्जी यूज़ करो उतना कमा लो, कर्जा फिट गया, ये हो गया। हमें कोई ज़रूरत नहीं किसी स्ट्रैटर्जी वगैरह के बारे में कुछ बताने की, हम सिर्फ आपको एक सिंपल सेटअप बता रहे हैं। और इतना सब बताने के बावजूद भी हम यही कहेंगे आपसे कि आपका जो भी हार्ड अर्न कैपिटल है उसे किसी के बोलने के ऊपर बाज़ार में टेस्ट एंड ट्रायल मत कीजिए। पहले पेपर ट्रेड कर लीजिए, पहले लैंग्वेज सीख लीजिए चार्ट की और उसी के बाद आप आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, सोचिए अभी हमने स्कूल में टेबल लर्न किया है, ठीक है, 2 का टेबल लर्न किया है, 3 का टेबल लर्न किया है, किसी ने दिल्ली के स्कूल में लर्न किया है, किसी ने महाराष्ट्र के स्कूल में लर्न किया है। लेकिन दिल्ली हो या महाराष्ट्र, 2 का टेबल सेम है, 3 का टेबल सेम है, तो बाज़ार में अगर इतने लोग हमें ट्रेडिंग पढ़ाने वाले सिखाने वाले हैं तो फिर कोई बंदा प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहा है, 90% बंदे फेल हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जो प्रॉपर तरीका सिखाना चाहिए बाज़ार में, जो हमें सीखना चाहिए प्रॉपर, वो है चार्ट रीडिंग। आपको एक बार चार्ट रीडिंग समझ में आने को लग गया तो उसके बाद आप ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हो, लेकिन पहले लैंग्वेज सीख लीजिए उसके बाद आगे के डिसीजन लीजिए। डायरेक्ट हार्ड अर्न मनी बाज़ार में मत डालिए, सिर्फ पेपर ट्रेड कीजिए और चार्ट रीडिंग कर करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए। थैंक यू गाइज एंड स्टे कनेक्टेड विथ आवर चैनल।